टाटा प्ले बिंज प्लस का अगर आप कनेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है आपके लिए, क्योंकि मैं टाटा प्ले बिंज प्लस की जो नई कनेक्शन है उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। क्या प्राइस रहने वाले पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। वीडियो मेरे साथ शुरू से लेकर एंड तक बने रहना। चैनल लोकसाज गाइड पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, उसके साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर प्रेस करना। जैसा कि मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ टाटा प्ले बिंज प्लस नए कनेक्शन की, नए कनेक्शन आपको कितने रुपए में मिलने वाला है। आप जानते हैं टाटा प्ले बिंज प्लस पर आपको जो है टीवी चैनल के साथ साथ जो है एंटरटेनमेंट ऐप्स भी देखने को मिलती है, जहां पर सारे ओटीटी कंटेंट्स आपको जो है टाटा प्ले के प्लेटफॉर्म पर मिल जाते हैं देखने को। जैसे बड़ी बड़ी ऐप्स जैसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार हुई, जी फाइव हुई, वूड सेलेक्ट हुई, नेटफ्लिक्स हुई, अमेजन प्राइम वीडियो वगैरह सारी चीज़ें जो सारी अच्छी अच्छी एप्लीकेशंस हैं टीवी चैनल के साथ साथ आपको जो है ओटीटी कंटेंट भी आपको देखने को मिल जाता है टाटा प्ले बिंज प्लस के साथ, और बिल्कुल किफ़ायती दाम में आपको देखने को मिलता है। बहुत सारे स्टैंडर्ड पैक्स हैं टाटा प्ले बिंज प्लस पर, तो उसी के बारे में इस वीडियो में बात कर रहे हैं। ये सारी जो नया कनेक्शन है सेट टॉप बॉक्स जो है आपको जो केवल अगर नया कनेक्शन आप ले रहे हैं तो 2199 यानी कि 2199 रुपये में आपको जो है टाटा प्ले बिंज प्लस का जो है नया कनेक्शन फिलहाल की डेट में मिल जाएगा, क्योंकि नया कनेक्शन की प्राइस जो है अभी 2199 रुपये यानी लगभग 2200 के आसपास आपको मिल रही है। अगर आप जो है मल्टी कनेक्शन लेना चाहते हैं यानी आपके पास ऑलरेडी टाटा प्ले का कनेक्शन है और आप जो है बिंज प्लस लेना चाहते हैं तो आपको जो है इसकी प्राइस जो है 1799 पे करनी पड़ेगी, यानी कि लगभग 1800 रुपये में आपको जो है नया सेट टॉप बॉक्स वो भी बिंज प्लस का जो है टाटा प्ले की तरफ से मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, कमेंट करके जरूर बताना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना।